नमस्कार, मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है विश्व एथनिक दिवस। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। इन्हीं संस्कृतियों का सम्मान करने और उनके बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 जून को दुनिया भर में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। विश्व एथनिक दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस दिवस को मनाए जाने का आइडिया सबसे पहले मुंबई स्थित ऑनलाइन जातीय उत्पादों के बाजार craftsvilla.com द्वारा पेश किया गया था। यह दिवस लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने और समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दिवस लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। आज के दिन ही 1966 में हुई थी शिवसेना की स्थापना। शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय है। इसकी स्थापना 19 जून 1966 को प्रमुख राजनीतिक कार्टूनिस्ट बाला साहेब ठाकरे ने की। शिवसेना की स्थापना के समय बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था 80% समाजकरण 20% राजकरण, अर्थात 80% समाज और 20% राजनीति। शिवसेना ने पहला चुनाव 1971 में लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना का सांसद चुना गया। आज के दिन भारत ने किया था एप्पल उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। भारत ने 19 जून 1981 को कौरू से एरियन रॉकेट के माध्यम से प्रथम स्वदेशी परीक्षणात्मक संचार उपग्रह एप्पल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। एप्पल को महज 2 वर्ष के समय में तैयार कर लिया गया था। इससे इसरो को 3 अक्षीय भूस्थिर संचार उपग्रहों आदि के डिजाइन और विकास में महत्वपूर्ण सहयोग मिला। एप्पल उपग्रह का प्रयोग लगभग 2 वर्षों तक रेडियो नेटवर्किंग, कंप्यूटर इंटरकनेक्ट, रैंडम प्रवेश और पॉकेट स्विचिंग परीक्षणों के लिए किया गया। आज के दिन हुआ था कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्म। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं। राहुल गांधी ने 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ राजनीति में प्रवेश किया था। जुलाई 2017 में भारत और चीन के बीच जारी डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी का चीनी राजदूत से गुपचुप मिलना विवाद का विषय बन गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।